जय श्री सीताराम, जय श्री सनातन धर्म। प्रणाम भक्तों, आइए जानते हैं कि जिस औलाद के खातिर हम आप चिंता करते हैं कि भगवान हमको भी वंश चलाने के लिए एक चिराग दे देते तो हम आपके नाम से भंडारा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, फला मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे वगैरह वगैरह मन्नत मानते हैं, फिर भी बच्चा किसी को भगवान देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। इसका कारण अपना कर्म किस्मत होता है। जिसकी किस्मत भगवान जगाते हैं, वो छोटी छोटी गलती करके अपने बच्चों को किस्मत ख़राब कर देते हैं। कारण जानते हैं? कारण यह है कि जिस चिराग के लिए दर दर भटके, मंदिर पूजे, मस्जिद पूजे, डॉक्टर वैद्य फकीर को पूजे, तो भगवान ने किसके आशीर्वाद से एक चिराग मिला, तो हम आप उस चिराग को बुझाने की कोशिश करते हैं। और कब करते हैं, आइए जानते हैं गलती को। जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो हम आप उसकी वर्षगांठ मनाते हैं, यानी कि जन्मदिन। जन्मदिन मनाना अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन जो जानते हैं वो सही तरीके से मनाते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए जानकारी दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो मानना, नहीं तो मत मानना। इस विधि को आइए जानते हैं हम आप बेटा बेटी के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एक केक लाते हैं, उसके ऊपर मोमबत्ती जलाते हैं और जलाने के बाद बच्चा सक्षम है तो उससे फूंक मारकर बुझाने को कहते हैं। सक्षम नहीं है तो घर का कोई सदस्य फूंक मारकर बुझा देता है, लेकिन यह तरीका गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि उदाहरण जैसे किसी बच्चे को कहें, अरे आपका बच्चा बहुत सुंदर है, बड़ा चंचल है, बस इतने से बात पर बच्चा बीमार हो जाता है, डॉक्टर को दिखाने पर ठीक नहीं होता है, तो भगवान के पुजारी के पास जाते हैं, तो पुजारी भगवान से बच्चा ठीक होने की कामना करके फूंक मारता है, तो बच्चा ठीक हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे बात को सही तरीके जन्मदिन मनाने का। हम आपको बच्चे के जन्मदिन पर पूजा अर्चना, सत्यनारायण भगवान की कथा या श्री कृष्ण जीवन रक्षा मंत्र या दीपक जलाकर, केक काटकर दीपक बुझाना नहीं चाहिए। इस तरह से
जन्मदिन मनाएंगे तो बच्चे की रक्षा भगवान हमेशा करेंगे। मोमबत्ती तो मरे हुए के याद में जलाकर बुझाया जाता है। अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल शिव शक्ति गुरुकुल मानव सेवा संस्थान चैनल देखें और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। प्रणाम भक्तों, प्राण सनातन धर्म, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।